हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर्स और नील्स जो है दो साइंटिस्ट थे जो डेनमार्क थे, उन्होंने जो है एटॉमिक मॉडल के बारे में तीन चार परिकल्पनाएं दी थी, तीन चार पॉस्टुलेट दिए थे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था उनका, द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स राउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। These orbits are known as stationary orbits। मतलब क्या है, फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रिवॉल्व इन द सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्बिट्स होंगे जो अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, जहां से कोई भी एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेंगे। दिस ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब हर जगह वो रिवॉल्व नहीं करेंगे, उनके लिए एक पर्टिकुलर जो है ऑर्बिट्स होगा, उसी में वो रिवॉल्व करेंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होंगे, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन खाली वहीं पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे और जहां से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये पर्टिकुलर इसी ऑर्बिट्स में घूमते रहेंगे। अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो क्या होंगे, ये घूमते घूमते ये अंदर चले जाएंगे, न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसी वजह से फेल हो गया था। तो ये इनका फर्स्ट पॉस्टुलेट हो गया। अब सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, द स्टेशनरी ऑर्बिट्स अटेन्स सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम this distance is integer multiple of h upon 2 pi then certain distance from a nucleus for this nucleus डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम यहां होगा, एंगुलर मोमेंटम टर्म इज इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ एच अपॉन टू पाई, मतलब एम ई वी
आर इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई एन, एन इंटीजर्स हो गया और यहाँ वन टू थ्री फोर, ठीक है डैश डैश डैश। तो इनका कहने का मतलब है कि जो वो पार्टिकुलर ऑर्बिट्स होंगी उनकी जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस होगी जिसमें जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इंटीजर मल्टीपल होगा किसके एच अपॉन टू पाई के। तो यहां से हम लोग क्या आर निकाल सकते हैं रेडियस निकाल सकते हैं ऑर्बिट के, ठीक है। तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में वो रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर जो रिवॉल्व करेंगे जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है जो इक्वल होगा किसके एच अपॉन टू पाई के इंटीजर मल्टीपल्स के, ठीक है। अब ये तीसरा पास्टुलेट क्या कहता है थर्ड पास्टुलेट, आर लॉस एनर्जी बाय जंपिंग फ्रॉम वन allowed orbit to another allowed orbit। तो ये थर्ड पास्टुलेट क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन खाली जंप कर सकते हैं एक जो allowed orbit जो पार्टिकुलर orbit होते हैं तो एक ऑर्बिट से इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जो है मूव कर सकते हैं और एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे और या तो रेडिएट करेंगे। द एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। जो एनर्जी वहां से निकलेगी अगर एक ऑर्बिट से जैसे ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिट है और ये हायर एनर्जी का ऑर्बिट है इधर ये न्यूक्लियस है ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिट है ये हायर एनर्जी का ऑर्बिट है। यहां से अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी निकलेगी एच न्यू के फॉर्म में, ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो ये जो जो एनर्जी डिफरेंस होगा जो एनर्जी रेडिएट होगी वो किसके बराबर होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू माइनस ई वन, मतलब E2 यहाँ ये दूसरे ऑर्बिट की ज्यादा एनर्जी होगी और ये E1 इसकी जो है कम एनर्जी होगी। तो इनका अगर माइनस कर देंगे तो डेल्टा E निकल आएगा एनर्जी जो रेडिएट होगी वो निकल आएगी और वो किसके बराबर होगी H न्यू के बराबर होगी और यहाँ पर न्यू क्या है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी एम ई वी आर इज इक्वल टू एम एच अपॉन टू पाई, यहां से जो मिनिमम जो रेडिएशन होगी मिनिमम रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 नैनोमीटर, इसको क्या कहते हैं बोर्स बोर्स रेडियस। सबसे कम रेडियस जो होगी जो हम लोगों को मिलेगी या सबसे छोटा जो ऑर्बिटल होगा उसकी रेडियस जो सबसे पहला ऑर्बिटल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी 0.05 0.0529 नैनोमीटर,
इतनी रेडियस जो है इसकी होगी, या इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर ले तो 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है, इतनी जो है इसकी रेडियस होगी फर्स्ट जो है ऑर्बिटल जो होगा उसका। तो ये पास्टुलेट, तीन पास्टुलेट निकल आए कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। पहला पास्टुलेट क्या कहता है कि पहला पास्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, हर जगह पर वो नहीं पाए जाएंगे। तो पार्टिकुलर ऑर्बिट जैसे ये ऑर्बिट है तो ये ऑर्बिट है, तो ये पार्टिकुलर ऑर्बिट है तो यही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये फर्स्ट पास्टुलेट कहता है। सेकेंड पास्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स होंगी वो ऑर्बिट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होंगी जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच टू पाई, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इज इक्वल टू होगा इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ एच अपॉन टू पाई के, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो है जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, रेडियस निकाल सकते हैं ऑर्बिटल की। तो यहाँ से पता चल गया कि उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस भी होगी, ठीक है। और तीसरा पास्टुलेट कहते हैं कि जो एनर्जी इमिट होगी वो कहाँ से इमिट होगी, अगर एक अलाउड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे अलाउड ऑर्बिटल में जब मूव करेगा तो जो एनर्जी होगी या तो गेन होगी या लॉस होगी। तो ये जो गेन और लॉस होगी या एब्जॉर्प्शन या एमिशन जो एनर्जी का होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा, और ये बराबर होगा डेल्टा ई इक्वल टू ई ई एक्सटीरियर ई एफ ई और या ई आई ई इंटीरियर, ठीक है। तो ई एफ अपॉन ई आई के बराबर हो जाएगा, मतलब एफ मतलब अंदर वाली जो ऑर्बिट होगी, बाहर वाली ऑर्बिट होगी फॉर साइड वाली, और इनर साइड वाली जो आई ई आई होगी इनर साइड वाली से एनर्जी का होगा, और ये बराबर होगा एच न्यू के बराबर। न्यू क्या होगा, उस रेडिएशन से जो एनर्जी निकल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये तीन पास्टुलेट बोर्स ने दिए थे, बोर्स मॉडल ये यही था बोर्स मॉडल।